पॉइसन्स रेशियो। अब ये पॉइसन्स रेशियो क्या चीज़ है? आप एक वायर लें, आप एक वायर को खींचें, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा डेल्टा एल बाई एल। हमने ये हमेशा एज्यूम किया कि वायर पतली नहीं होती, हमने निगलेक्ट करते गए, पर एक्चुअल में पॉइसन कहता है वायर पतली होती है। तो वायर का डायमीटर पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है जब लेंथ बड़ी होती है। तो वो कहते हैं स्ट्रेन, इसका मतलब एक टाइप नहीं है, स्ट्रेन दो टाइप के निकलते हैं। तो एक स्ट्रेन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है लेंथ में, और एक स्ट्रेन होता है डायमीटर में स्ट्रेन। डायमीटर का स्ट्रेन है डेल्टा डी बाई डी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव इसलिए क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है। तो जब एक वायर को खींचते हैं तो दो टाइप के स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल का मतलब डायमीटर में स्ट्रेन। तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रेन को डिवाइड करूं तो एक रेशियो आएगी सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। तो ये पॉइसन्स रेशियो है, लेकिन ये तब यूज करनी होती है जब डायमीटर में भी चेंज गिवन होता है। वैसे 99% क्वेश्चन या 99.99% क्वेश्चन में ये यूज नहीं होता। हम डायमीटर को लेते नहीं, हम सिर्फ लेंथ के स्ट्रेन को ही लेते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बेस पे एक एग्जाम्पल करवा देता हूं। ऑप्शनल है, आता कम है, पर फिर भी क्योंकि हमने थ्योरी की तो फिर भी मैं बता देता हूं ये कैसे किया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम क्या है, पाए इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, राइट। और अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखना है तो पाए इंटू डायमीटर बाय 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाए इंटू डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, राइट। तो वो क्वेश्चन में कहेगा मैंने एक वायर को खींच दिया, जब खींचा तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम वायर का कांस्टेंट है, इसका पॉइसन रेशियो निकालो क्या होगा वायर का, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। पाई कांस्टेंट है तो गया, ये भी गया, तो अब क्या बचेगा, फोर भी गया। तो इसमें से एक काम कर सकते हैं, या ऐसे करते हैं, चलो पाई को रखते हैं, जीरो बाद में कैंसिल कर लेंगे। एक काम करते हैं डी, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं वायर खींचते हुए, दोनों वेरिएबल्स हैं। तो इसमें यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो। तो यू इंटू वी के फॉर्मूले में डी स्क्वायर बाय 4 को तो एज इट इज रख लो, और लेंथ के डिफरेंशिएशन को लिख लो डीएल। डीएल विद रिस्पेक्ट टू लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ले भी लोगे तो वो जीरो से कैंसिल होने वाला है, राइट। फिर उसके बाद एल को एज इट इज रख लो, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर बाय 4। अब डी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 इंटू डी की पावर 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी, ठीक, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या होगा 4। नहीं तो एक काम करो यार, 4 को भी बाहर ही निकाल लो, 4 को भी लेने की जरूरत है ही नहीं इसमें, छोड़ो 4 का चक्कर ही नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमने क्या कर दी, 2 इंटू डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी। तो विद रिस्पेक्ट टू करोगे भी तो यहां से कैंसिल होने वाला है, तो जैसे पाई बाय 4 किया, तो यहां से काम करो, इसको इस तरफ लेके आओ, इज इक्वल टू माइनस 2 एल डी इंटू ये लो, एक डी से डी क्या हो गया कैंसिल। तो एक काम करो डी एल लेंथ को नीचे ले आओ, माइनस 2 ये लो, ये आ गया। एक काम करो इसको डिवाइड करो, ये लो, ये आप इसमें इसको ऐसे रखो, डिवाइडेड बाय डी एल बाय डी एल, तो आंसर क्या आएगा, माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब माइनस 0.5, और इसको क्या बोलते हैं, पॉइसन्स रेशियो, ठीक। अब एक बात बताओ, जब एक सिलेंड्रिकल वायर आएगी, वायर तो सिलेंड्रिकल होती है, स्फेरिकल तो नहीं होती ना, या वायर वो क्यूबॉइड तो नहीं होती ना, सिलेंडर यही आएगी, वॉल्यूम तो यही रहेगा ना, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा ना, आंसर भी सेम ही रहेगा। तो याद कर लो पॉइसन्स रेशियो सिलेंड्रिकल वायर की जब खींचते हैं 0.5 ही रहते हैं आंसर, माइनस 0.5। क्लियर है यहाँ तक? ये वैसे मैंने प्रूफ जरूर लिखवा दिया, कोई वैसे करना चाहे ठीक है, अदरवाइज नेसेसिटी नहीं है, आता नहीं है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये माइनस 0.5 क्यों लिखता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें
यहां पे ये सब यही किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। खैर फैक्ट्स याद रखें, ये याद रखें, ये आता है पेपर में नीट वालों के। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो जो होती है वो -1 से लेके 0.5 के बीच में होती है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो 0 और 0.5 के बीच में होती है। अगर ऐसा आंसर आ जाए तो याद कर लो, सफिशेंट है। फिर नीट वालों में स्पेशली एक और चीज, पॉइसन रेशियो अगर 0.5 है तो यानी कि वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर 0.4 है तो इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आज हमने प्रूफ किया आंसर 0.5 आता है, और अगर 0.4 आया कुछ और आया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं, याद रखना। नीट वालों को या मेंस वालों को कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि करेक्ट फॉर्मूला मार्क करो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। ये रिलेशन है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पॉइसन रेशियो का, ये रिलेशन है यंग्स रिजिडिटी बल्क मॉडुलस, ये चार फॉर्मूलाज हैं। इसका प्रूफ नहीं आता, प्रूफ है नहीं, सीधा ऑब्जेक्टिव में देगा करेक्ट फॉर्मूला मार्क करो। ज्यादातर इसके ऊपर फॉर्मूला आता है, इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसके ऊपर आता है ये फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। तो अगर मार्क करने को आ जाए थर्ड वाला, इसे एज इट इज ही आएगा, कुछ चेंज नहीं, न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा, बस ये पूछेगा कि करेक्ट फॉर्मूला मार्क कर दो, दैट्स इट, बस।